कमाएंगे जो नहीं। बोलिए। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं एक गंभीर विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे आज सुबह मैं लिख करके भी दिया आप लोगों को। जरूर आप लोगों ने भी देखा होगा, कल ऑस्ट्रेलिया से भाई हरीश सुल्तान जी के साथ मेरी चर्चा थी और 1:49 की। ज़रूर आप लोगों ने भी उसमें भाग लिया होगा और जिन लोगों ने भाग लिया भली भांति उन्होंने देखा और सुना। वहां चर्चा चल रही थी, ईश्वर ने अगर दुनिया बनाई उस ईश्वर को किसने बनाया, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा कि ईश्वर को किसने बनाया। यह जानने से पहले उस ईश्वर का जानना जरूरी होगा। तो ईश्वर को हम अगर नहीं जान पाए तो दुनिया का बनाया जाना बनाने वाला कौन है वो उसको कैसे जानेंगे। पर सच्चाई मैं आप लोगों को बता दूं, परमपिता परमात्मा का उपदेश है वेद में पश्य काव्य के, मुझे मत देखो मेरी रचना को देखो। अब यहां बात आई देखे कौन, तो देखे मानव। अब यहां ईश्वर से बात हटकर आई कहां, मानव पर। इसलिए पहले हमें जानना पड़ेगा मानव कौन। मानव कौन जब जान जाएंगे तो मानव बनने के बाद ही ईश्वर का ढूंढा जाना, ईश्वर को जाना जाना, ईश्वर का पाया जाना, ईश्वर को पाया जाना संभव है या नहीं आदि आदि बातों पर छानबीन चल सकती है। इसलिए ईश्वर को जानने से पहले हमें मानव कौन है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव ही ईश्वर को जान सकता है, ईश्वर का सानिध्य लाभ कर सकता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। और मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। पर अफसोस तो ये है, इस चकाचौंध के दुनिया में आकर मानव उसी ईश्वर को ही भूल बैठते हैं, भूल जाते हैं, जो मानव के लिए यह बहुत ही दुखदायी स्थिति है कि जिस ईश्वर ने हमें मानव योनि में भेजा, मानव योनि में आए, और मानव योनि में आने के बाद उस ईश्वर को हमने जानने का प्रयास नहीं किया, और हम यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि ईश्वर को बनाया किसने, ईश्वर को कौन बनाया, ये मानवता पर कुठाराघात है। यह सवाल करने वालों ने मानवता पर कुठाराघात किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मानवता क्या है उसको पहले जानिए। सुबह मैं लिख करके भी दिया था आप लोगों को अपने फेसबुक पेज में और मैसेंजर में भी बहुत से लोगों को भेजा था। मैंने निवेदन किया कि हम अगर मानव कौन है, मानवता क्या है उसको जान गए तो ईश्वर को भी जानना, जाना जाना संभव होगा। क्यों?
कि वो कर्तव्य मानव का है, इसलिए मानव उसको कहा जाता है। हमारे शास्त्र में यह बताया है मत्वा कर्मणि सिब्बति, अर्थात मानव उसे कहते हैं जो विचारशील, विचारवान, विचार पूर्वक अपना काम करे। जो विचार पूर्वक काम नहीं करता वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। फिर सुनिएगा, जो हाथ पांव आंख कान नाक रखने का नाम मानव नहीं है और कपड़ा पहनने का नाम भी मानव नहीं है। कई बार आप देखते होंगे सड़क पे मदारी लोग खेल दिखाते हैं, बंदरों को भी कपड़ा पहना देते हैं, तो बंदरों को कपड़ा पहनाने से क्या वो बंदर बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कल उसी चर्चा में भी आप लोग सुने थे ये कितने बड़े अकल के दुश्मन है ये लोग। देखिएगा जो महिला वहां बैठी थी ना, उसके बंदर को भी ज्ञान है, बंदर को वो केला देते तो दोनों केला दोनों तरीके से व्यवहार किया बंदरों ने। लेकिन ये लोग अकल के दुश्मन इसलिए है, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ज्ञान और दूसरा होता है नैमित्तिक ज्ञान। साधारण ज्ञान तो पशु पक्षी को है, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान पशु पक्षी को नहीं है। नैमित्तिक ज्ञान मानव को होता है और होता नहीं है, उसको कराई जाती है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं हरीश सुल्तान से, और वो सुब्रता या सुमृता कौन थी वो महिला, बौद्धिस्ट है मुझे लगा, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बंदर की बात आपने कही कि बंदर ये जानता है, और वो शिंपंजी की बात भाई हरीश ने भी कही थी कि शिंपंजी भी ये कर लेता वो कर लेता है, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि एक शिंपंजी दूसरे शिंपंजी को सिखा नहीं सकता, एक बंदर दूसरे बंदर को सिखा नहीं सकता। ये लोग केवल मानव चोले में हैं, लेकिन मानवता इन लोगों से लोप हो गया है। बहुत सारा प्रमाण देने के बावजूद भी हट धर्मिता, मैं तो बोला ही हट और दुराग्रह है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मानव कौन है पहले जानना पड़ेगा। मानव वो है जो विचारशील, विचारवान, विचार पूर्वक जो काम करे उसका नाम मानव है। इसलिए आर्य समाज के संस्थापक ऋषि वरदेव दयानंद ने आर्य समाज के नियम में लिखते हैं, मानव वो है कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने वाले का नाम मानव है। फिर समझिएगा, सुनिएगा धैर्यपूर्वक, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके जो करे उसका नाम मानव है। यहां पहला शब्द धर्म आया है, क्योंकि धर्म भी मानव के लिए है। मानव के सवा धर्म कोई नहीं जानता। अब यहां धर्म कोई तिलांजलि दे बैठे, कल हम तो नास्तिक है, जबकि नास्तिक कोई शब्द नहीं है। आ रहा हूं मैं उसमें, बाद में आऊंगा। मैंने निवेदन किया कि ये धर्म मानव के लिए है, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए नहीं है। इसलिए मानव के लिए विचारवान होना, विचारशील होना, विचार करके हर काम को करना, ये मानव के लिए कर्तव्य बना। जो मानव विचार पूर्वक काम नहीं करता है वो मानव कहलाने के अधिकारी हकदार नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई ये ब्रेन ही आत्मा है, देखिए वो ब्रेन को आत्मा बोल रहा है, जबकि मैं बता दिया था भाई हाथ हाथ तुम्हारा है, तुम कौन हो, आए बाएं करने लगे इधर उधर, तो ब्रेन भी हमारा है, हम कौन है, दिमाग भी हमारा है, पर हम कौन है इसको जानने का प्रयास नहीं किया। और इस कारण ये मानवता पर कुठाराघात जो आज हो रहा है सब मिल करके कर रहे हैं, जिन्होंने सच्चाई को जाना नहीं, जिन्होंने सत्य को अपनाया नहीं, जाना ही नहीं तो अपनाएगा कहां से। और इसमें बहुत बड़े बड़े
लोग फंसे पड़े हैं दुनिया में, जिनको आज महात्मा की उपाधि दी गई। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसलिए तो बौद्धिस्ट लोग बौखलाए मेरे से। गौतम बुद्ध को जब वैराग्य आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। वहां पर कुछ याज्ञिक लोगों को यज्ञ करते हुए देखा और वो यज्ञ कर रहे थे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जो पशु काट करके आहुति दे रहे थे अग्नि में। गौतम बुद्ध इस दृश्य को देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा, हम तो यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या है? बोले, यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ वही भुवनस्य नाभि, ये भुवन के नाभि हैं। जैसा मानव शरीर का पेट है, नाभि है, इस पेट को ठीक रखने से तभी शरीर का ठीक रखा जाना संभव है, वैसा ही यज्ञ करने से ही संपूर्ण भुवन को ठीक रखा जाना संभव है। तो वो तो ठीक है, बोले, वेद में और भी आया है, स्वर्ग कामे यज्जेत, अगर स्वर्ग की कामना करते हो, सुख शांति समृद्धिशाली बनना चाहते हो तो यज्ञ करो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसमें जो ये पशु काट करके उसके मांस डाल रहे हो, ये कहाँ है? तो उन याज्ञिकों ने, यज्ञ करने वालों ने कहा कि ये वेद का आदेश है, वेद में आया है। अब कोई कह दे कि भाई तुम्हारा कान कौवा ले गया तो मानवता क्या है? क्या कहेंगे आप कि कौवा कान ले गया या नहीं? अपने कान में हाथ दे करके देखना चाहिए, हाथ लगाकर देखना चाहिए कि अपना कान अपने पास है अथवा नहीं। लेकिन ये गौतम बुद्ध इतने बुद्धू निकले कि लोगों के कही हुई बातों को विश्वास करके वेद को तहकीकात किए बिना ही भाग लिए। पूछा, वेद क्या है? तो लोगों ने कहा, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता और ऐसे वेद को भी नहीं मानता। और मनु महाराज ने स्पष्ट लिखा है, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद निंदक है वह नास्तिक है। ईश्वर का न मानने वाला नास्तिक नहीं, कल मैं हरीश को भी बोला था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसी तरीके से सब लोगों ने सच्चाई को जाने बिना, सच्चाई की तहकीकात किए बिना सत्य को ही तिलांजलि दे दिया। कैसे नहीं मानते हैं? भाई ये कौन सी बुद्धिमानी की बात थी? किसी ने कुछ कह दिया तो उनकी बातों को हम मान लेंगे बिना तहकीकात किए? मैं वैदिक धर्मी बना, वैदिक धर्म को स्वीकारा, तो कोई किसी के कहने पर नहीं, किसी के बहकाने पर नहीं, मैंने तहकीकात करके ही अपनाया, इसकी तहकीकात करी, एक दो दिन नहीं अनेक दिनों तक। अब ये भाई हरीश जो कह रहे हैं, हरीश सुल्तान, जबकि हरीश सुल्तान या हारिस सुल्तान नाम है उनका, अरबी में हारिस होता है, हारिस के माने होता है पासवान, पासवान के माने चौकीदार, और सुल्तान के माने जानते ही होंगे आप, शाह, बादशाह। लेकिन हारिस का एक अर्थ और भी होता है, जमीन खोदने वाला, और इब्लीस भी होता है, और शेर बब्बर भी होता है। अब परेशानी की बात यह है कि एक तरफ तो भाई हारिस कह रहे हैं, हारिस कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम को अलविदा कह दिया, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को आज बता देता हूं, उन्होंने इस्लाम को अलविदा नहीं कहा। अगर इस्लाम को अलविदा कहते होते तो अपना नाम को भी छोड़ देते, नाम को भी तिलांजलि देते, उस अरबी नाम को क्यों ढोते भला? इसलिए तो जो राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन हमारे लोगों ने बना रखा है, मैं उन लोगों को भी बोला, उनके अध्यक्ष को भी बोला, वो भी नांगलोई का रहने वाला, मैं भी नांगलोई रहता हूँ, हमारे घर आया तो मैं उसको भी समझाया था यही चीज। खैर, विषय लंबा हो जाएगा और विषय अंतर हो जाएंगे हम।
मैंने ये निवेदन किया कि इंसानियत का दारोमदार कहाँ है, मानवता कहाँ है, जिस मानवता के आचरण करने पर हम मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। अगर मानवता को हमने तिलांजलि दिया तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे कभी भी। अब मानव बनने के लिए यहां मानव के लिए जरूरी हो गया है क्या? सच्चाई को जानना, विवेक से काम लेना, और विवेक से काम लेने के लिए वहां शर्त लगा दिया धर्मानुसार, सत और असत को जान करके करना होगा। अब सत को जाना नहीं, असत को ही सत मान करके उस पर आचरण करने लगे। कहीं कोई बंदर का उदाहरण दे रहे हैं, कहीं कोई शिंपंजी का उदाहरण दे रहे हैं, कहीं क्रोमोसोम बता रहे हैं, क्या जोन बता रहे हैं, जोन बनते हैं या जान बनते हैं, क्या है, क्या करते वही जाने। मैं बोल रहा हूं कि यह मानवता से परे की बात है। इन लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि इंसान अकल के बिना पर है। और मानव के लिए मैं दो ज्ञान बताया, एक साधारण ज्ञान, एक नैमित्तिक ज्ञान। साधारण ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है, लेकिन दावा के साथ ये मैं कह रहा हूं, पशु पक्षियों को अगर आप ट्रेनिंग दे देंगे तो आप जैसा करेंगे, एक्टिंग करेंगे, वो करके दिखा देगा, लेकिन वो जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं दिखा सकता। आओ कौन आ रहा मैदान में, जिस जानवर को आपने ट्रेनिंग दी, जैसा हम लोग देखते हैं कुत्ता सूंघ करके पकड़ लेता है कातिल को, दोषी को, तस्कर को, आतंकवादी को, लेकिन मानव सुन करके पकड़ नहीं सकता। सुन हारिस, मानव सुन करके पकड़ नहीं सकता। पशु को यह ज्ञान है, मानव अफजलुल मखलूकात होने के बावजूद भी मानव को यह अकल नहीं आई और ना है इसके पास, फिर भी अफजल है। क्यों? कि मानव भले ही सूंघ करके पकड़ न सके, लेकिन मानव के द्वारा ही उस पशु को ज्ञान मिला है, वो पशु दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। कौन है सुभ्रीता, सुमृता कौन क्या है, सुनो कान खोलकर, और दुनिया वाले भी सुने। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मानव ने जो ट्रेनिंग दिया उस जानवर को, उस पशु को, उस ट्रेनिंग के मुताबिक वो पशु से काम आप ले सकते हैं, लेकिन यह मजाल नहीं है कि वो पशु दूसरे किसी को ज्ञान दे दे। यह सौभाग्य केवल और केवल परमात्मा ने मानव को मुहैया कराया है। इसलिए पहले मानवता को जानना पड़ेगा, और मानवता को जानने के लिए बड़े बड़े लोगों ने तिलांजलि दिया। बड़े बड़े लोगों ने मानवता को तो जाना नहीं और महात्मा बन गए। महात्मा कैसे बनेंगे? लोगों ने गलत उपाधि दी उनको। महात्मा उनको कहा जाता है जिनकी आत्मा महान हो। तो आत्मा को महान अपने आप स्वतः होता है या महान बनाना पड़ता है? आत्मा को महान बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? तो साफ शब्दों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याधारणा ध्यान समाधि, या आठ अंग है, आठ। इन आठ अंगों के बगैर आत्मा का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव नहीं है। यम नियम को मानना पड़ेगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को भी अपनाना पड़ेगा, उस पर आचरण करना पड़ेगा। मनस से एकम, वचन से एकम, कर्मण्य एकम, मन वचन और कर्म जब तीनों को हम एक करके चलेंगे तभी बात बनेगी, उससे पहले नहीं। तो आत्मा को महान बना बना आत्मा नहीं है महान, आत्मा को महान बनाना पड़ता है। तो आत्मा को महान बनाने के लिए साधन क्या बताया ऋषियों ने? यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याधारणा ध्यान समाधि। आत्मा को महान बनाया किस लिए जाता है? आत्मा को महान बनाया इसलिए जाता है
इसलिए इसका नाम योग पड़ा। योग के माने होता है जोड़ साधारण भाषा में, यद्यपि योग का परिभाषा बहुत लंबा है। योगश्चित्त वित्ति निरोधा एक शब्द में ही उठाकर रख दिया ऋषि पतंजलि ने। तो आत्मा का सर्वांगीण विकास किस लिए किया जाता है? आत्मा का सर्वांगीण विकास किया जाता है ईश्वर का सानिध्य लाभ करने के लिए। तो अगले ने तो ईश्वर को माना नहीं, तो फिर महान आत्मा कहां से हो जाएंगे? महान कहां से होंगे, कैसे होंगे? मैं खुली चुनौती दे रहा हूं इन बौद्धिस्टों को, आओ डिबेट के लिए, कौन आ रहा है सामने? गाली गलौज से बात बनेगी नहीं। अगर वाकई में पढ़े लिखोगे, पढ़े लिखेंगे कहां? मैं बोली पाली भाषा को, ये मानव मात्र का भाषा बोला, जिस पाली भाषा में अक्षर ही नहीं है, दो मात्रा वाले अक्षर नहीं है, और अल्फाबेट में भी केवल 41 है, और हमारे यहां पर 63 है। पाली भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, एक प्रांतीय भाषा भी नहीं है, संपूर्ण बिहार का पाली भाषा नहीं है। आप तो वो नेपाल वाला भी बोल रहा है, होरी है लोरी है, क्या नाम है उसका, उरी है, वो बोल रहा है कि गौतम बुद्ध तो नेपाल का था। अब इस पर भी विवाद खड़ा हो जाएगा कई कुछ दिनों के बाद। और इन लोगों के पास ना तो मानवता है और ना धर्म है, क्योंकि धर्म पर आचरण करना मानव का कर्तव्य है, और मानव बनने के लिए मानवता की आवश्यकता है। और सबको तिलांजलि दिया है, और सबको तिलांजलि देने के बाद जो ईश्वर को इनकार कर रहा है, ईश्वर को डिनाई कर रहा है, और कह रहा है हम तो नास्तिक है। अरे भाई, नास्तिक कैसे हो जाओगे तुम? नास्तिक किसको कहा जाता है पहले जानो तो सही। मैं तो कल बोला ना, नास्तिक कोई नहीं होता है। यहां नास्तिक वेद निंदक का बताया, जो वेद का निंदक, वेद निंदक है, वेद की निंदा करता है, वो नास्तिक है। और पता लगा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जो यथे मम वाचम कल्याणी मा बदानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, और मानव मात्र के कल्याण के लिए है ये ईश्वरीय ज्ञान। इसीलिए परमात्मा का उपदेश आया, पश्य काव्य मुझे मत देख, मेरी रचना को देख। अब लोग परमात्मा को अब ढूंढने लगे, वो कौन है, परमात्मा कौन होता है? अगर परमात्मा ने दुनिया बनाई तो उस परमात्मा को कौन बनाया? अब इससे बड़ी जहालत और क्या है, जबकि मैं बोला था कि ये तीन चीज अनादि हैं। अनादि का मतलब नहीं जानता है वो, जिसका प्रारंभिक काल ना हो। और तीनों में से मैं नमाज भी बता दिया था, पूजा भी बता रहा हूं। पूजा करने के लिए भी तीन चाहिए, पूजा करने वाला जिसकी पूजा हो, और पूजा की सामग्री, दुकानदार, दुकान में सामान, खरीदार और दुकानदार, हर जगह तीन के बगैर कोई वस्तु बनना बनाया जाना संभव नहीं है। और ये तीनों पहले था, अभी है, आगे भी रहे। कल मैं बोला भी, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पय, यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा का उपदेश है कि नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, अनेक पथ सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। और उस सही और सच्चे रास्ते को जब तक इंसान नहीं मानता है, नहीं अपनाता है, उस पर आचरण नहीं करता है, तो वो मानव कहलाने का हकदार नहीं है, चाहे जितने भी डींग हाँक ले। हारिस सुल्तान की एक दो वीडियो को मैं पहले देखा था, मनुस्मृति के ऊपर भी आक्षेप किया था, ये महिला भी थी उसमें, और हमारा एक शिष्य भी उसमें जुड़ा हुआ था जो कश्मीर का है, डोडा जिला का, उसने बोला था मेरा नाम हारिस को उन्होंने दिया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये लोग सत्य से विमुख है, सत्य को जाना नहीं, मानवता को भी नहीं जाना, और मानवता को जानने के लिए ये सब जरूरी है। जो ईश्वर प्रकृति और जीव, जी आकार उकार और मकार, तीन हुरूफ हैं इसके अंदर में। और त्रैतवाद पर मैं कल प्रकाश डाला, तीन के बगैर कुछ चीज का बनना बनाया जाना संभव नहीं है। बनाने वाला हो, जिस चीज से बनाया जाए वो हो,
और जिसके द्वारा बनाया जाए वो हो या जिसके लिए बनाया जाए वो हो, ऋषि दयानंद सत्ता प्रकाश में कुम्हार का हवाला दिया है, प्रमाण दिया है, कुम्हार का होना, चाक का होना और मिट्टी का होना। मिट्टी है, कुम्हार है, चाक नहीं, सामान बनना संभव नहीं। अब चाक है और कुम्हार है, मिट्टी नहीं, तो भी संभव नहीं। ये किसी मजहबी किताब में पाया जाना संभव नहीं है। सुन लो और खान खोलकर, हारिस हो चाहे कोई एक्स बजट कोई और हो, हारिस भी बहुत भांसता है, उसको वो समझता है कि तेरे से ज्यादा जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। और उन्होंने ब्रेन को बोला कि भाई ब्रेन आत्मा नहीं है, ब्रेन है भाई। ब्रेन तो अगर होगा तो वो ब्रेन किसका है ना, तुम्हारा ही तो होगा ब्रेन, पर तुम कौन हो इसको तो नहीं बता पाए, इधर उधर की बातों करके दो घंटा। और जितने भी लोग जुड़े थे, 2700 से ऊपर लोग जुड़े थे, ज्यादा आधा से ज्यादा मेरे ही आदमी थे। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये सच्चाई को जाने बिना हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। पहले मानव कौन है उसको जानना पड़ेगा, मानव किसको कहा जाता है उसको जानना पड़ेगा। मानव जब बन गए तब नंबर आएगा ईश्वर को जानने का, उससे पहले ईश्वर का जाना जाना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने बोला बहुत सारा प्रमाण है इसका। ये कह रहे क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम क्या भाई, तुम पति पत्नी दोनों टेस्ट करा रहे हो, भोग रहा है बच्चा, बच्चा क्यों भोगेगा, बच्चा जो भोगेगा वो तीनों का कर्म है वहां पर, माता पिता का और बच्चे का भी। बच्चा अपाहिज है, उसको जो तकलीफ है वो उसका एहसास वही करेगा, और उसके लालन पालन में माता पिता का जो कष्ट है वो माता पिता भोगेंगे। इसलिए यहां पर कर्म तीनों के लिए है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, दुनिया वाले इसके नजदीक आना भी नहीं चाहा, और तिलांजलि दे दिया, ना ईश्वर को मानेंगे ना धर्म को मानेंगे। गौतम बुद्ध ने यही किया था, और गौतम बुद्ध के यही करने के कारण ही आज मानव समाज में यही बुद्धि किनारे करके झगड़ा कर रहे हैं लोग। बुद्धि को निकाल दिया मानव समाज में, झगड़ा लगा दिया। इसीलिए तो मैं बोला हूं ये जितने भी मजहब वाले हैं कहीं पर भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। इस्लाम वालों ने तो यहां तक कह दिया है कुल्लु मा जाअ बिहिर रसूलु मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बोला है अल्लाह के तरफ से उसको बगैर छानबीन किए हुए मान लेना। कुरान कहता है जालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर, इस किताब के अंदर, अगर उस शक हो तो भी शक नहीं कर सकते। साजिद रशीदी क्या बोला, साजिद रशीदी बोल रहा है जब कह दिया ना शक नहीं है, शक नहीं है तो नहीं है। अरे भाई जो बीच में उसके शक आए हो तो अब क्या करोगे, उसको क्या जवाब है? आप बोलेंगे कहां शक है, अच्छा छोटा दूध में ही बच्चा बोल सकता है, जो नवजात शिशु कभी बोल सकता है, कुरान कहता है बोल सकता है, ईसा ने बोला कि मेरी मां सती है, यह सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा ही कई जगह आया है, यूसुफ के समय भी आया, वो वीडियो में बना के दिया हूं आप लोगों को, यूसुफ के लिए भी आया है कि यूसुफ दोषी नहीं है, बच्चा बोल रहा है और अल्लाह गवाही दे रहा है, सामने से कुर्ता फटा के पीछे से कुर्ता फटा, ये है इनका अल्लाह। इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी भी मजहब के अंदर में दिमाग की बात नहीं है, कहीं पर भी दिमाग से तस्लीम करना, तस्लीम करने की अनुमति नहीं है किसी भी मजहब में, चाहे वो बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो और इस्लाम हो, ईसाइयत हो, एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सुनो दुनिया वालों, ये जितने भी हैं ये सब दुनिया में बने हैं, और जो बनेंगे उसका खात्मा भी होना है, ये भी सुन लो। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म बनाया नहीं गया दुनिया में, ये ईश्वर प्रदत्त है।
आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को परमपिता परमात्मा ने दे करके भेजा है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान बदलता नहीं है, परमात्मा को ज्ञान बदलना नहीं पड़ता है। आज है, पहले था, आगे भी रहेगा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। अल्लाह को ज्ञान बदल बदल करके देना पड़ा, कभी तौरात दिया, तो कभी जबूर दिया, तो कभी इंजील दिया, तो कभी कुरान दिया, जरूरत पड़ने पर, वो भी जरूरत पड़ने पर। इसीलिए मैं भाई हारिस से ये गुजारिश करूंगा विशेष करके कि इसी सच्चाई को आप जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसको तिलांजलि दे रहे हैं, सत को तिलांजलि दे रहे हैं, तो सत को तिलांजलि देने के बावजूद भी अगर आप इंसान बनना चाहेंगे तो संभव ही कहां है, क्योंकि इंसान का संपर्क और संबंध जुड़ा है सत से, सत से इंसान का संपर्क और संबंध जुड़ा है। इसीलिए जितने भी मजहब है, सब मजहब वालों को तो मैंने बोला कि सब मजहब वाले आप लोग सब सच होने का दावा कर रहे हो, आप लोग खुद निर्णय ले करके दिखाओ ना कौन सच है। आप में से बौद्ध सच है, ईसाई सच है, जैनी सच है, सिखिज्म सच है, कौन सच है पहले तो निर्णय लो आप लोग अपने आप, फिर बाद में बताया जाएगा कि वैदिक धर्म सच क्यों है। इसलिए मैंने निवेदन किया, जो दुनिया में बना है बनने वाला बिगड़ेगा, जो बनता है वो बिगड़ता है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि नियम में जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो बनता है वो बिगड़ता है, लेकिन ईश्वर प्रदत्त धर्म बनता नहीं है। जैसा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसा क्यों सत्य सनातन वैदिक धर्म है सत्य, ये सुनो, जब मां के उदर में बच्चा होता है तो मां के शिकम में दूध आता कि नहीं आता? क्या केवल वैदिक धर्मियों के में होता है या मुसलमानों में भी होता है, ईसाइयों में भी होता है? इनकी महिलाएं बच्चा पेट में होते समय ही दूध आता है कि नहीं आता है? इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, सार्वभौम सत्य कहा जाता है। ऐसा ही अनेक प्रमाण है, ये सब ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए मैं कई बार बोला हूं कि ईश्वर प्रदत्त जो भी चीजें हैं वो पहले है, हमारी जरूरत बाद में है। क्यों? परमात्मा वो है जिसको ईश्वर कहा जाता है, जो ईश्वर को बनाना नहीं पड़ता। ईश्वर कौन है सुन लो जरा ध्यान से, जो ईश्वर में गुण होता है, क्या गुण होता है? ईश्वर वही है जो सत्य चित और आनंद स्वरूप है। ईश्वर कौन है? सत्य स्वरूप, विज्ञानमय, सदानंद स्वरूप, अनंत सामर्थ्य युक्त, परम कृपालु, अनंत विद्यमय, विद्यामय और विज्ञान विद्याप्रद, परमेश्वर, सूर्य आदि सब जगत का उत्पन्न करने वाला। अल्लाह ने नहीं बनाया सूर्य, अल्लाह ने बनाया नहीं, मैं तो पहले ही बोला, बहुत बहुत बार बोला। इसलिए कौन है ईश्वर, ये देखो, इसको ईश्वर को बनाना पड़ता है, यह सतह बना हुआ है जिसमें यह सारा गुण है, उसी का नाम ईश्वर है। सूर्य आदि का बनाने वाला तथा सब आनंदों का देने वाला, सर्व जगत का उत्पादक जो सर्वशक्तिमान है, कुरान भी कहता है वो सर्वशक्तिमान है, कादर मुतलक है। लेकिन कादर मुतलक अगर अल्लाह होता तो फिर अल्लाह को यह कहना नहीं पड़ता कि इन्नल्लाह यरज़ुक मन यशाउ बिगैर हिसाब, मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। अगर सर्वशक्तिमान का मतलब यह है जिसको चाहे बेहिसाब रोजी दे, तो अन्यायकारी किसको कहेंगे? रोजी हिसाब से देना चाहिए, जो जितना कर्म करेगा उसी हिसाब से उनको उतना मिलना चाहिए, उतना देना चाहिए। उससे पहले दिया जाना संभव नहीं, किसी को मिल जाए तो औरों के साथ अन्याय होगा। ये अल्लाह को यह ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कौन है ईश्वर? ईश्वर को जन्म किसने दिया? ईश्वर को जन्म देना पड़ता है या नहीं, ये सुनो।
ईश्वर है कौन जो अजन्मा है। और भी सुनो, जो सत चित और आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है। आप कहोगे अल्लाह दयालु है, रहमान है और रहीम है। अगर अल्लाह रहमान और रहीम होते तो पशुओं के गले में छुरी चलाने के लिए हुक्म देते? उन पशुओं पर रहम किया है अल्लाह ने? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा। अजन्मा है जिसको जन्म लेना नहीं पड़ता और आत्मा भी जन्म नहीं लेती है। याद रखना कि परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया और प्रकृति को भी नहीं बनाया, क्यों? ये तीनों अनादि हैं। एक मौलाना ने सवाल किया कि साहब, परमात्मा ने अगर आत्मा को बनाया नहीं तो इस आत्मा का मालिक परमात्मा कैसा हो जाएगा? मैंने कहा बिना बनाए मालिक होगा। बोले वो कैसे? वो आप मानो, हम तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि मौलाना बनाने वाला मालिक होता है? बोले हाँ। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, बैचलर हैं? बोले शादीशुदा हूँ। मैंने कहा आप अपने अहलिया के मालिक हैं, पत्नी के मालिक हैं? बोले जी हाँ, बेशक। मैंने कहा बनाने वाला मालिक होता है? बोले हाँ। मैंने कहा जिस पत्नी का मालिक आप हैं, उसको आपने बनाया या आपके ससुर ने बनाया? आप कहाँ से मालिक बन बटे? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बनाने वाले नहीं, लेकिन हम मालिक हैं। दूसरे किसी के घर में गए, अगर वहां से कोई कुछ सामान ले जाना चाहेगा तो उसकी रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है, उस घर का मालिक हम नहीं है। कहीं पर भी हम सफर कर रहे हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, उसकी हिफाजत का दायित्व तो हमारे ऊपर है। लेकिन दुर्भाग्य तो यहां है कि ये मानव कहला करके भी जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उस राष्ट्र की हिफाजत उनसे कुरान में मना किया है। यही सब भेद है। इन भेदों को जाने बिना मानव बनना, मानव कहलाना संभव नहीं है। पहले इन सब भेदों को जानना पड़ेगा। ये सब भेद क्या है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ओम प्राणाय नमो यस सर्वम इदम वशे यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिनात् सर्वं प्रतिष्ठिताम्। कौन है परमात्मा जानो? परमात्मा को बनाया जाता है या परमात्मा बना बना है? जो अनंत होने के नाते अनादि है, जिसका प्रारंभिक काल नहीं है, अनुपम है, जिसकी उपमा भी नहीं है। अगर ईश्वर अल्लाह, ईश्वर को अल्लाह के साथ उपमा दे, ये सरासर झूठ है, गलत है, बेईमानी है। वो अनुपम है, उसकी उपमा ना अल्लाह से है ना अल्लाह से है। उसकी उपमा दिया जाना संभव ही अनुपम। सर्व आधार है जो ईश्वर के गुणों को, मैं बताया कि ईश्वर के गुणवाचक नाम सर्वव्यापक। अल्लाह सर्वव्यापक नहीं, यहोवा सर्वव्यापक नहीं, ये सब अपने अपने जगह में है। कोई चौथा आसमान पर है, कोई सातवां आसमान पर है, कोई खीर सागर में है। लेकिन वेद में आया है ईशावास अमिदम सर्वम यथकिंच जगत त्यांग जगत। वो ईशवास करने वाला हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं, जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि अगर अल्लाह या गॉड, यहोवा या परमात्मा जो परमेश्वर वेद का है, अगर वो सब जगह है तो क्या गंदगी में भी है? जी हाँ, गंदगी में भी है। तो कई मौलाना साहब हमें कहते हैं फिर गंदगी में है तो गंद नहीं लगता? मैंने कहा अरे मूर्ख, गंद लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांच चीज परमात्मा को छू नहीं सकता। परमात्मा को तुमने जाना कहां है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांच चीज से परमात्मा दूर है तो गंध लगने का सवाल कहां है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम सब लोगों के पेट के अंदर में गंदगी है, तो पेट के अंदर में है तो क्या उस गंदगी का को हम एहसास करते हैं? कभी नहीं, जब तक बाहर ना आए। ठीक यही प्रमाण है कि परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार प्रतिबिम्बयामुते माम कस्मै देवाय अभिशापिले। दुनिया ने जाना कहां परमात्मा को? इसीलिए तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे हैं लोग आज कि उसको किसने बनाया।
तुझे किसने बनाया, तुझे कौन बनाया? अब यही तमाशा देखिए कि किस तरीके से मानवता पर कुठाराघात कर रहा है। तुझे जिसने बनाया तो उसको ढूंढ रहा है, वो कौन है? अब उसको ढूंढा वो बात अलग है, अब उससे पूछ रहा है कि तुझे किसने बनाया। उसका ढूंढना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उससे पूछा जा रहा है कि तुझे किसने बनाया, इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी दुनिया में मानव समाज के लिए। और इसी मूर्खता में विचरण कर रहे हैं ये जितने भी कम्युनिस्ट, जितने भी बौद्धिक विचारधारा वाले, ये जितने भी हैं बाममार्गी, सब इसी में लिप्त हैं। ना तो खुद को जाना, ना मानवता को जाना, ना ईश्वर को जाना। इसलिए यहां पर तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकार आदि नामों का परमात्मा का ग्रहण होता है, परमात्मा का नाम ओंकार है, ओम ओम शब्द है, वो ओम निज नाम है परम, ओम माने होता है सर्वरक्षक। परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, सुन लो, परमात्मा का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, सारा सार्थक है। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं गौणिक और कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों में अर्थों के ये वाचक हैं। इसीलिए ओम आदि नाम इसमें शामिल नहीं हो सकता, परमात्मा के नाम में यह सब शामिल नहीं हो सकता। अवत्योम इसीलिए वेद में आया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज धरती पर यह मानव कहला करके भी उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि उसको किसने बनाया, तुम्हें किसने बनाया, जाना है भाई। जब तुम्हें किसने बनाया इतनी जानकारी तुम्हें खुद को नहीं है, और जो दुनिया का बनाने वाला, ब्रह्मांड का बनाने वाला, जो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वव्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, ये है वो परमात्मा का परिचय। उस परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः बना बना है, जैसा जीवात्मा को भी बनाया नहीं। इसलिए बंधुओं याद रखना, ये सब मिलकर के मानवता पर कुठाराघात करे। ये जो लोग अपने को नास्तिक वादी बताते हैं, नास्तिक मानते हैं, नास्तिक होता नहीं है दुनिया में कोई, यही वेद विरुद्ध आचरण ही नास्तिकता है, यही वेद विरुद्ध आचरण ही नास्तिकता है। इसलिए सब मिलकर के मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, सिखाए हुए मेरे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि पंडित जी तो जवाब नहीं दे पाए। ऐसे भी लोग हैं, तो उन लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद के पास जब स्वामी श्रद्धानंद तो बने नहीं, मुंशीराम थे, मुंशीराम जब गए सवालों को लेकर, सवालों की फुलझड़ी लगा दी, तो ऋषि दयानंद ने सभी सवालों का एक एक करके जवाब दिया। मुंशी राम ने कहा कि स्वामी जी मैं तो संतुष्ट नहीं हो पाया। ऋषि दयानंद साफ शब्दों में कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होगी तो आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। समझ रहे हो? ओह सीखने वाले सुनो। इसलिए जितना बड़ा कद है उतना ही रहो, एड़ी ऊंचा करके बड़ा होने का प्रयास मत करना। ऐसे ही न मालूम कितने सिखाने वाले मेरे हैं हजारों की तादाद में। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पहले तो गुरु कहते थे, अब गुरु कहना भी बंद कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम में कलमा सात है। अब कहां से पाया सात, एक को वो जन्म दिया होगा, जबकि कलमा छह होता है इस्लाम में, वो सात बता रहा है। इसीलिए जब उसी दिन ही मैंने बोला हमें गुरु मत बताना,
तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सब मिलकर के आज मानवता पर ही कुठाराघात कर रहे हैं लोग। तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे जब तक, कब तक? जब मत्वा कर्मणि सिब्बते, जब हम दिमाग से विचार पूर्वक काम नहीं करेंगे, हम जब तक विचारवान नहीं बनेंगे, विचारशील नहीं बनेंगे, कौवा कान ले गया वाली बात मत करो, यही तो दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे देश में तो ये परंपरा है, कल सुनाया था ना, और बहुत बार पहले भी बोला हूं कि जिस अर्जुन ने अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, उस अर्जुन को हमने केवल वीर कहा, और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें हमने धर्मराज कह रखा है। और आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है। राजा अशुपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, व्यभिचारी नहीं, चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं, उस देश में जुआड़ी को धर्मराज कहना कहां सही है? इसी तरीके से मैं दावा के साथ कह रहा हूं संपूर्ण विश्ववासियों को कि कई लोगों के जीवनी को खंगालने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। सबसे पहला नंबर आएगा गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का और अंबेडकर का भी। इन सब के जीवनी को खंगालने पर ही तभी हम सत्य के नजदीक पहुंच सकते हैं, वरना इन सब लोगों ने मिलकर के हमें पाठ गलत पढ़ाया, और गलत पाठ याद करने का ये सारा नतीजा है। नहीं तो ये परमात्मा को किसने बनाया, ये सबर कहां से आ सकता है? हमें किसने बनाया, हमने इसी को ही नहीं जान पाया। हम शरीर में आत्मा है इसको भी हम डिनाई कर रहे हैं। ब्रेन को आत्मा कहा जा रहा है, उसका नाम ब्रेन पड़ा, तू आत्मा क्यों कह रहा है भाई? अगर ब्रेन है तो ब्रेन भी तो तेरा ही है ना, पर तू कौन है? इसलिए मैं बोला, निवेदन किया आप लोगों से कि आज सब मिलकर के मानवता पर ही कुठाराघात करने में लोग लगे हुए हैं, और यही मानवता पर कुठाराघात करने का कारण ही ये सारा नतीजा जो आज हमारे सामने में खुल करके आया है। आप लोगों ने देखा होगा, कल मैं उसको उजागर किया था कि पिछले दिनों में जो चंद्रशेखर रावण बताता है अपने को, उसने बोला कि इस्लाम में कोई एक भी गलती दिखा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं कितना गलती दिखा करके वीडियो बना करके दिया हूं, आज तक सामने नहीं आया। कई बार रिमाइंडर भी दिया हूं, कई बार उस वीडियो को भी चलवा कर दिखाया हूं। तो ये लोग ऐसे चरित्र के हैं, तो ऐसे चरित्र जिन लोगों के हो, वो कहां लोग कहां है वो? इसीलिए तो मानवता पर कुठाराघात किया है। मानवता किसी भाई ने लिखा है कि पंडित जी, नास्तिक लोग अपने शरीर के लिमिटेशन को नहीं मानते, लेकिन हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। वही तो मैं बोला नहीं, हर चीज का जो प्रमाण मांगते वही तो प्रमाण मैं दे रहा हूं कि तुझे पैदा किसने किया तू बोल। क्या वो पैदा करते समय देखा था तू कि ये मुझे पैदा कर रहे हैं? क्यों मान रहा है उसको? अगर हर एक चीज का प्रमाण चाहिए तो तुझे जो पैदा किया, क्या पैदा करते समय देखा था तू कि तुझे पैदा किया जा रहा है? तू अपना प्रमाण दे ना पहले, तेरी आइडेंटिटी क्या है? परमात्मा को छोड़, परमात्मा तो ऊंची चीज है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि तो सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके दिया ना आप लोगों को कि मानव के अंदर में साधारण और नैमित्तिक दो ज्ञान है, और मानव से इतर जो पशु पक्षी हैं उनके पास केवल और केवल साधारण ज्ञान है, नैमित्तिक ज्ञान नहीं। और नैमित्तिक ज्ञान मानव को प्राप्त करना पड़ता है। कोई मानव चंद्रयान में जाने, कल मैं बोला था ना, जो बंदर का उधर में, बंदर चंद्रयान में नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों के अकल में तो पर्दा पड़ा हुआ, वो कहां आने वाले दिमाग में ये बात। तो मैंने बोला कि ये पाठ सब गलत पढ़ाया गया है जी, गलत पाठों को जब तक भूलेंगे नहीं
तक सही और सच्चा पाठ याद करना संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण लेकर के वाणी को विराम दे देता हूं। यह काम हमारे गुरु ने प्रैक्टिकल करके दिया दुनिया वालों को। जब ऋषि देव दयानंद गुरु विरजानंद के पास पहुंचे मथुरा में, बाहर से दस्तक दी, अंदर से गुरु ने पूछा कौन। शिष्य ने तपाक से जवाब दिया, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरु विरजानंद ने सोचा कि आज तक जितने भी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाया हूं, ये बात किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं। यह विद्यार्थी होनहार होगा, दरवाजा खोल दिया, आला परिचय हुआ। विरजानंद ने पूछा, पढ़े हो। जी पढ़ा हूं। क्या पढ़े हो? तो जिन किताबों का अब तक वो पढ़ चुके थे उनका नाम लिया। उन किताबों का नाम सुनते ही गुरु विरजानंद ने कहा कि जाओ जमुना में बहाओ। अब गुरु विरजानंद के लिए कहा जाता है वो प्रज्ञा चक्षु थे। जब वो प्रज्ञा चक्षु थे तो उन किताबों से उनकी क्या दुश्मनी थी भाई कि किताबों को जमुना में बहा दो। छोटा एक उदाहरण, एक भाई हारमोनियम बजाना जानते थे, गाना गाना जानते थे, लेकिन किसी से सीखा नहीं था। किसी एक ने बोला कि भाई किसी से सीख लो, तुम भी बात गायक बन जाओगे। वो सीखने के लिए किसी संगीताचार्य के पास गया। संगीताचार्य ने कहा हाँ मैं सिखाता हूँ, कितना दिन का कोर्स है? तो उन्होंने कहा 6 महीने का कोर्स है। तो बोले मैं तो जानता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। संगीताचार्य ने कहा कि क्या जानते हो, पहले सुनाओ आप। उसने हारमोनियम में हाथ रखा, आलाप लिया तो संगीताचार्य ने बोला रुको। रुकाओ, रुकने से संगीताचार्य ने बोला कि भाई अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो तुम्हें 1 वर्ष का समय लगाना पड़ेगा। बोले वो कैसा, आपका पूरा कोर्स 6 महीने का है, मेरा 1 साल, क्यों खराब करेंगे आप मेरा समय। संगीताचार्य ने कहा तुम जितना जानते हो ना 6 महीने में तो उसको मैं भुलाऊंगा, और जो मेरा कोर्स है उसको 6 महीने में पूरा करूंगा। आज हमारे मानव समाज में भी ठीक घटना यही है। ये पाठ जो पढ़ाया गया है, कोई महात्मा बन करके पढ़ाया, कोई कुछ बन करके पढ़ाया, कोई कुछ बन करके पढ़ाया, ये पाठ ही सरासर गलत है। इन पाठों को जब तक हम भूलेंगे नहीं, सही और सच्चा पाठ याद किया जाना संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों का कीमती समय और जाया न करता हुआ, लगभग 54 मिनट 55 मिनट हो रहा है, तो मैं यहीं पर ही वाणी को विराम देना चाहता हूं। और मैं एक क्रम इस तरीके से बनाना चाहूंगा कि मैं हर सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन इसी तरीके से सवाल जवाब लेकर के आप लोग आइए। सवाल अगर मेरे ईमेल mpra1983@gmail.com, अगर मेरे मेल में आप लोग सवाल लिख करके पहले से दिए, तो एक एक करके उसका समाधान मैं देने का प्रयास करूंगा। और मुझे खुशी होगी इस बात से कि आप सारे जिज्ञासु, आप सभी जिज्ञासु मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोग जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, सच्चाई कहाँ है, और इसी सत को जानना ही मानवता है। इसलिए हम और आप मानव बन करके जाएं जाते समय, ना हम हिंदू बन करके जाएं, ना मुसलमान बन करके जाएं, ना सिख जैनी बोधी बन करके जाएं, क्योंकि सब यात्रा से ही पता लगता है कि किसका लाश है, किसकी जनाजा है, किसका जनाजा लोग ले जा रहे हैं, ये सब देख करके पता लगता है। इंसान कोई नहीं जा रहा है, कोई हिंदू बन करके जा रहा है, कोई मुसलमान बन करके जा रहा है, कोई ईसाई बन करके जा रहा है, कोई बौद्धिक बन करके जा रहा है, कोई जैनी बन करके जा रहा है, लेकिन इंसान बन करके हमें जाना है। इसीलिए मैं दावा के साथ आप लोगों से यही निवेदन करूंगा और कहूंगा कि ऐसा एक पेड़ लगा करके जाइए कि जिसके छाया तले प्राणी मात्र को ठंडकपन का एहसास हो, प्राणी मात्र का उपकार हो, प्राणी मात्र का भला हो। लेकिन अल्लाह के पास इस भलाई की कोई कीमत नहीं है। आज तो मैं दूरदर्शन में देख रहा था अमित देवगन वाला प्रोग्राम में, आज भी, जबकि मैं आप लोगों को भी मना किया था, आज तस्लीम रहमानी ने बताया कि राम को भी हम ईश्वर का अवतार मानते हैं। वो तिवारी जी ने पूछा उनको कि आप ये बताइए कि राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं या नहीं। उन्होंने कई बार पूछने के बाद बोला हाँ राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं। वो झूठ बोला, झूठ बोला, महा झूठ बोला। इस्लाम में अनुमति नहीं, इजाजत नहीं है। और
ये सुधांशु त्रिपाठी ये भी नहीं जानते हैं कि ईश्वर का अवतार होता या नहीं होता। ये पाठी तो तीन हैं, लेकिन पाठ एक भी सही नहीं है इनका। राम ईश्वर के अवतार नहीं थे और राम का ईश्वर का अवतार होना संभव नहीं है। ईश्वर का अवतार होता ही नहीं है तो राम को क्यों और कृष्ण को क्यों और इसको उसको क्यों मानोगे? ईश्वर का अवतार नहीं होता है। अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरण के माने होता है उतरना। तो पहले यह बताओ कि चढ़ाए कहां? हाँ, अवतार तो होता है किसका? जीवात्मा का। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। राम हमारे युग पुरुष, राम हमारे राष्ट्र पुरुष। इसलिए मंदिर के पक्ष में मैं नहीं हूं, पर अग्निवेश मंदिर के विरोध में बोल रहा है सार्वजनिक सभा में बैठ करके। और मैं आर्य समाजियों को भी बोला हूं, या आर्य वेश में दम नहीं कि उस अग्निवेश का विरोध करे। इस आर्य वेश को ही कान पकड़ करके निकालो वहां से। इसी राम मंदिर के पक्ष में लाला राम गोपाल शाल वाले और वो महाशय केदारनाथ जी आर्य, उन्होंने तो रामलला की स्थापना करी थी। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूं, प्रसंग बदल जाएगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि राम हमारे राष्ट्र पुरुष थे। राम यहां मर्यादा की बात है। बाबर का जन्म यहां नहीं हुआ था तो बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनाएगी? इसीलिए तो मैं तो मुसलमानों को बोला हूं, इलिया सरफुद्दीन को बोला हूं कि तुम मुसलमान बनने का बनाना चाहते हो, इस्लाम स्वीकार करने का दावा दे रहे हो, आओ पहले इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ। मंदिर और मस्जिद वाली बात तो हम बाद में कर लेंगे। इस्लाम अगर धर्म सिद्ध हो जाए उसके बाद नमाज पढ़ने की जगह देखेंगे। मेरी खुली चुनौती है, उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूं। इसलिए बंधुओं, मैं आप भारतवासियों से विशेष करके यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आज मानव समाज में ये भेद, मानव समाज में यह कुठाराघात इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। चाहे कोई भीम आर्मी के नाम से हो, कोई भीम सेना के नाम से हो, कोई खीर ज्ञानी के नाम से हो। अब खीर तो खीर है, खीर ज्ञानी का क्या मतलब है? और मैं बोला ना कि जिनकी अल्फाबेट ही सही नहीं है, जहां पर उच्चारण नहीं है। मैं उस दिन भी बोला था कौवा उच्चारण नहीं कर पाएंगे, कोवा बोलना पड़ेगा। औरत उच्चारण नहीं कर पाएंगे पाली भाषा में, औरत बोलना पड़ेगा। अरे मूर्खो जाहिलो, पहले जानो तो भाषा किसको कहा जाता है, जानो फिर आओ सामने। और मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, आओ ना सामने बैठ करके डिबेट करो ना, कागज पे स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करो, जिसको आना हो आओ। मैं हार गया तो मैं स्वीकार कर लूंगा तुम्हारी बात, और तुम हार गए तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना पड़ेगी। ये खुली चुनौती है मेरी। इसलिए खैर, मैं आप लोगों को केवल इतना बताना था कि आज मानव समाज का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें जिसने जन्म दिया हमने नहीं जाना, पर जो ब्रह्मांड का बनाने वाला है उसको जन्म किसने दिया ये पूछने बैठे। ये मानवता पर कुठाराघात इसी का नाम है। और ये सारा कुठाराघात इन नास्तिकवाद के कारण हो रहा है, इन नास्तिकता के कारण हो रहा है, इन नास्तिकवादियों के कारण हो रहा है। चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे भीम आर्मी हो, ये आर्मी हो, वो आर्मी हो, या अंबेडकरवादी हो, या परशुराम के पीछे पड़े, परशुराम बनाएंगे, अब क्षत्रिय जाति का नाश करेंगे परशुराम। मायावती कह रही है और सपा बसपा दोनों मिलकर कह रहे हैं कि अब परशुराम मंदिर बनाएंगे। अरे परशुराम का है को बनाना, बनाना तो आज का बना, परसों का काय बना रहा है? मंदिर बनाओ चाहे मस्जिद बनाओ, कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। तुम लोग मानो बनो, मानो अगर मानो बन जाओगे तो सब बात बन जाएगी। इसीलिए मन के मंदिर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करें। असली मंदिर तो यही है, नकली ठिकाना छोड़ दें। ये सब नकली ठिकाना है। ईश्वर के नाम से ये महज दुकानदारी है। ईश्वर को ये लोग जानते ही नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए वेद के रोशनी में आना पड़ेगा। वेद के रोशनी के अतिरिक्त इलावा दुनिया में ईश्वर किसी के पास नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। मैं दो टुक में बोल रहा हूं। और जिसको चुनौती मेरी स्वीकार हो सामने आए, दुनिया वालों को भी पता लगे, दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे, दुनिया वाले भी जाने कहां है सच, किन के पास है सच। इसीलिए वेद में आया है नाना पंथ विदते आयनाय,
का अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, उसी एक रास्ता को जानना, अपनाना, उस पर आचरण करना, ये मानव होता है। इसीलिए बंधुओं, मैं नास्तिकवाद का कट्टर विरोधी हूं। नास्तिक तो कोई होता नहीं है, मैं बोला ना, ये जो लोग अपने को नास्तिक बता रहे हैं ना, कि वाकई में ये लोग जानते ही नहीं है। ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति, यानी आंख से देखा जाना संभव नहीं है, जिसको तू कल मैं बोला भी था, परमात्मा को आंख से देखना चाहते हो, परमात्मा तो आंख का विषय नहीं है, या आत्मा को भी आंख का विषय नहीं है, कल मैं सारा प्रमाण दिया था। लेकिन यह नास्तिकता इनके दिल और दिमाग में इतना घर कर गया है कि सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानना तो दूर की बात। और इसी नास्तिकता के कारण आज मानव समाज पर कुठाराघात हुआ है, मानव समाज पर सब लोग कुठाराघात कर रहे हैं। इस मानव समाज को पहले ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिज्म विचारधारा वाला हो, बौद्ध विचारधारा वाला हो, नास्तिक विचारधारा वाला हो, ये जितने भी वेद विरुद्ध विचारधारा हैं, उन सबको समाप्त करना पड़ेगा। मैं तो एक वीडियो में भारत सरकार के लिए कहा था कि ये मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उतना पैसा इन नास्तिकवाद को खत्म करने के लिए अगर किया जाता होता तो देश का उद्धार होता। क्या क्या बताऊं, मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, इसीलिए मैं चाहूंगा कि और अतिक्रमण न करता हुआ पूरा एक घंटा समय आप लोगों का लिया हूं इन्हीं शब्दों के साथ। पंडित जी जान खतरे में डालकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं, कृपया तन मन धन से सहयोग करें। प्रार्थी राजेंद्र कुमार चौहान साहब। ये राजेंद्र कुमार चौहान साहब का आज फोन आया था मेरे पास, ये नोएडा में रहते हैं, और राजेंद्र जी ने बोला कि गुरुजी जो जो मैंने आपसे सीखा मैं तो जानता भी नहीं था। और एक नहीं, ऐसे कई फोन आए आज, इंदौर से आए, दिल्ली से आए, दिल्ली से कई फोन आए। एक तो हमारे अध्यापक साहब हैं, उन्होंने कल मेरा समय लिया है मेरे से बात करने के लिए। तो खैर, मैंने निवेदन किया कि मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को पाया हूं, केवल पाया नहीं, मैंने आचरण में उतारा है। मैं सारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया हूँ, बेटा हो या बेटी, सारे गुरुकुल को पढ़ाया हूँ, और कई बेटियों को वेद कंठस्थ कराया हूँ, सामवेद, यजुर्वेद, अष्टाध्याय, ये सारा कंठस्थ है। मैं जितना जानता हूँ उतना बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। पर आर्य समाज में यहाँ बोलने वाले ज्यादा हैं, करने वाले नहीं, जिसका ये नतीजा आज सामने आए, सामने जो देख रहे हैं ना, ये सार्वजनिक सभा की ओर से, ये सर जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना सार्वजनिक सभा की ओर से होना चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक सभा में तो आपने बैठा रखा है ऋषि दयानंद के शत्रु को। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस आर्य वेश का कान पकड़ करके निकालो, जो अग्निवेश का समर्थक है अनिल आर्य को, जो आर्य कहता है उसको भी कान पकड़ करके निकालो आर्य समाज से, जो इन सब के समर्थक हैं। और ये राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, कल अग्निवेश का एक वीडियो मैं देखा, वो मैं अपने मित्र को, कई मित्र को भेजा कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। खैर, तो मैं आप लोगों का समय लिया और आप लोगों ने मुझे समय दिया, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे विचारों को आप लोग सुने हैं, आप लोगों ने पूरा घंटा भर का समय दिया, आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अदा करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।